पीएम मोदी ने कहा, ढकोसला पत्र है कांग्रेस का घोषणा पत्र। अरुणाचल प्रदेश में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आज पश्चिम बंगाल में भी रैली को करेंगे संबोधित। एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकौसला पत्र कहना चाहिए। राफेल को लेकर कांग्रेस के विज्ञापन पर चुनाव आयोग को आपत्ति। कहा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, इसलिए इसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नमो टीवी पर मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दूरदर्शन के दुरुपयोग का लगाया था बीजेपी पर आरोप। पीएम मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं। विपक्ष ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया था आरोप। विवेक ओबराय स्टारर मूवी 5 अप्रैल को हो रही है रिलीज। कांग्रेस ने अरुणाचल के सीएम पर लगाया वोट खरीदने का आरोप। कहा, पीएम की रैली से पहले सीएम पेमा खांडू के काफिले से मिले थे 1,80,00,000 रुपए। अब पनडुब्बियों और पौधों पर लगेगा अचूक निशाना। अमेरिका भारत को बेच रहा है 24 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर रोमियो। सेंसेक्स का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। निफ्टी ने भी छुआ नया शिखर। रुपए में भी देखी मजबूती। आईपीएल में आज टकराएंगी दो मजबूत टीमें। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मैच। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। फ्रांस और ब्रिटेन के सहयोग से अमेरिका ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव किया पेश। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।